जहां एक तरफ इस कोरोना काल में पुलिस के कार्यों की तारीफ की जा रही है, वहीं छिंदवाड़ा में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान आरक्षक ने बाइक से जा रहे एक व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटी के सामने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल होते ही आरक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान साफ निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बेवजह मारपीट न की जाए, लेकिन दमुआ थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक हुलसीराम बोहने ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल एक दंपत्ति बैतूल जिले की ओर से बाइक पर आ रहे थे, जहां आरक्षक ने उनको रामपुर चेक पॉइंट पर लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते रोक लिया। इसके बाद आरक्षक ने चालानी कार्यवाही या कोई अन्य कार्यवाही किए बिना ही युवक को उसकी पत्नी और बेटी के सामने बेरहमी से पीट दिया, जिसका वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और गुंडागर्दी का यह वीडियो जमकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षक को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।